नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो अपन ने कल ओ से खोखली की मात्रा पढ़ी थी। कैसे लगानी है वो आपको मैंने बताया था। ऊपर एक मात्रा, नीचे डंडा, ये बन गई ओ से खोखली की मात्रा। इसके अब आज क्या पढ़ेंगे अपन? शब्द। ओ से खोखली की मात्रा के शब्द वो कैसे बनते हैं आपको बताती हूँ, फिर आपको बनाने हैं, ठीक है ना? देखो श के ये मात्रा लग गई तो क्या बन गया? श प्लस ओ की मात्रा प्लस ये क्या बन गया? शोर। क्या बन गया बच्चों? ये शोर। प प्लस ओ की मात्रा प्लस ये क्या बन गया आपके? कोट। ओ की मात्रा ये ट क्या बन गया? कोट। ल प्लस ओ की मात्रा म प्लस की ये बड़ी की मात्रा, ठीक है ना? तो क्या बन गई? लोमड़ी। ल की ओ की मात्रा फिर म ऐसा कैसा इट तो पर बड़ी की मात्रा क्या बन गई? लोमड़ी। क्या बन गया ये? लोमड़ी। चलो क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल ये क्या बन गया? कोयल। क्या बन गया ये? कोयल। क के पीछे किसकी मात्रा लगा दी अपन ने? ओ की मात्रा। तो क के ओ की मात्रा लगने पर क्या बन गया? कोयल। अब देखो क प्लस ट प्लस ओ की मात्रा प्लस डी ये क्या बन गया? ग। ट की ओ की मात्रा प्लस डी क्या बन गया? कटोरी। क्या बन गया बच्चों? कटोरी। इससे आपको डिवाइड करके अन्य शब्द बनाने होंगे, ठीक है ना? मैं दिखवा रही हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में लिखो। लिखो जोर जोर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है। मोर टोकरी। इस तरह आपको नए शब्द बनाने हैं। पोटली कोयल। कोयल तो लिख दिया है। चलो होली रोली है ना, वो बता रही हूँ। छोटी कोट कोटी मोर चोरक मोर मोर हो गया गोभी। चलो इन शब्द सबके आपको नए शब्द इस तरह बनाने, ओके? डिवाइड करके चलो अपन बढ़ते हैं। ज तो ओ की मात्रा लगे तो क्या बना? जोर। ड के लगे तो डोर। म के लगे तो मोर। ट के लगे तो टोकरी। प के लगे तो पोटली। ख के लगे तो होली। र के ओ की मात्रा लगे तो रो लेली। से लगी थी चो ती। ख के लगी खो ती। म के लगी मो र। छ के लगी चो र। ख के लगी दो पी। आपको इस तरह की मात्रा